अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। 25 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन करने का ऐलान किया गया, और ये लॉकडाउन पहले की तरह नहीं होगा जिस तरह पहले था। पहले काफ़ी नरमी की गई आवाम के साथ, अब ऐसा नहीं होगा। एक तो फ़ाइन भी बढ़ा दिए गए हैं, और अब बगैर आर्गूमेंट के, बगैर बहस के, बगैर किसी तफसील बयान किए बगैर जो है आपको फ़ाइन किया जाएगा। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि लॉकडाउन के दौरान एमरजेंसी की सूरत में बाहर निकलें, किसी किस्म की गैदरिंग मत करें। जिस तरह ईद उल फितर के मौका पर बहुत सारे लोगों ने वायलेशन की थी नमाज़ के लिए और देकर गैदरिंग के लिए, तो इस ईद के ऊपर जितनी भी छुट्टियां हैं, ईद की गैदरिंग, ग्रीटिंग्स, मीट एंड ग्रीट और इस तरह की कोई भी किसी किस्म की गैदरिंग की इजाज़त नहीं होगी। और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मार्केट जो हैं वो टोटली क्लोज रहेंगी, यानी 25 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक मार्केट्स जो हैं वो शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी और सुबह 6 बजे तक टोटली बंद रहेंगी। उसके अलावा जो ही कोई क्लेरिफिकेशन आती है कि कौन सी मार्केट बंद होगी नहीं होगी, उनके बारे में जो ही डिटेल आती है वो भी आपसे शेयर करते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और तमाम लोग ज़रूर फॉलो करें रूल्स को, अपना ख्याल रखें, अपने जीज़ों का लोगों का ख्याल रखें, और शेयर करें तमाम दोस्त अहबाब से। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, एक्चुअली ये र्यूमर्स थे लेकिन र्यूमर कन्फर्म थे कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लॉकडाउन किया जाए दोबारा। सो 25 जुलाई से 8 अगस्त तक दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह जो ही डिटेल्स आती हैं हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।